नमस्ते बालाजी हिंदी चारों में, मैं कृष्णादास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। आप सारे लोगों को हैप्पी नवरात्रि, माता रानी की तरफ से आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले ऐसी उम्मीद के साथ मैं आज की रीडिंग कर रही हूँ। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, माता रानी आप सबको खुशी से नवाजे और आपका ये वक्त बहुत अच्छा जाए। आज मैं लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको पता ही है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से। अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए है। 12 से लेकर 18 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि आपके पोषण की करंट एनर्जी। द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ वांड्स, भाई ये तो तैयार है आपसे शादी करने के लिए, बहुत अट्रैक्टेड है भाई आपके प्रति, स्टेबल लव ऑफर के साथ आना चाहते हैं। नो कांटेक्ट हुआ तभी इनको आपकी अहमियत का पता चला। करंट एनर्जी तो बहुत हाई है। टेन ऑफ कप्स, बंदा या बंदी जो भी है, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ वांड्स और टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आया है। ये आपके साथ शादी, स्टेबिलिटी, रिश्ता, घर, परिवार, बच्चे ये सब चाहते हैं, एक स्टेबल लव ऑफर आपको देना चाहते हैं। हालांकि ये बंदा या बंदी खुद को हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानने वाला बंदा या बंदी है, इनको हमेशा अटेंशन चाहिए, लेकिन इस बार उनकी सोच में जो है ना वो परिवर्तन आ चुका है। स्लोली बट श्योरली ये स्टेबिलिटी की तरफ अपने रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का जो फाउंडेशन है वो देखना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है तो शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। जो लोग रिश्ते में हैं, सिर्फ प्यार वाले रिश्ते में, वो शादी करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अभी उनको पता चल गया है ना कि आपके साथ रिश्ते में रहने से रिश्ते को ग्रोथ, फर्टिलिटी सब कुछ मिलेगा। लोगों को दिखाने के लिए भी रिश्ता बहुत अच्छा है। ये खुद इस रिश्ते में एक ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रॉपर्टी, पैसा, घर, बंगला सब कुछ हो जाए, सब तैयारी के साथ रिश्ते में आगे बढ़े, ऐसा ये सोच के आपके तरफ आना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो भी ये दूर से चल के आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है, और ऐसा सोच रहा है अगर ये पहले ऐसा था ना कि हमेशा इनको ही अटेंशन चाहिए था। डेफिनेटली ये बंदा ऐसा है, ये किसी सोशल मीडिया से लिंक रखने वाला कोई बंदा या बंदी होगी। हो सकता है आपके साथ इनका सोशल मीडिया माध्यम से इनका आपका रिश्ता बनाए, आप दोनों ही कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करते हो। जो भी है, ये हमेशा ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड रहने वाला पर्सन अब ये चेंज होके आपके तरफ अपना जो इरादा है उसे चेंज करके आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पोषण आगे चल के क्या चाहेगा, क्या चाह सकता है। सजिटेरियस, देख लेते हैं आपके पोषण की आगे की एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। वही चाहिए, आप ही चाहिए उनको। टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स का मेरा जो सपना है वो पूरा होगा, कब हमें कंप्लीट एक फैमिली मिलेगी, कब मुझे, अगर जिनका फैमिली है, कब मुझे फैमिली के साथ मिलना होगा। नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वांड्स एंड टेम्परेंस, पेशेंस के साथ इंतजार कर रहा है बंदा या बंदी, कब उनका सपना पूरा होगा। आपके साथ दूर रह के
उनका जो हालत है ये बहुत सारा बोझ है दिल में, बर्डन है। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता ये अकेला ही ढो रहे हैं, रिश्ते को ये अकेला आगे लेके जाना चाहते हैं। इनके दिल में दिमाग में बहुत सारा बोझ है, काम के भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा, काम नहीं कर पा रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ नो कांटेक्ट है। फिर भी ये पेशेंस रख रहा है, धैर्य रख रहा है, अपनी गुस्से पर कंट्रोल कर रहा है। ये खुद पर गुस्सा भी हो रहा है, रो भी रहा है, परेशान भी है, लेकिन ये बहुत पीसफुली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं और किसी भी तरीके से ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, अपना विश पूरा करना चाहते हैं। आप इनको देख के ये समझ नहीं पाओगे अगर आप दोनों वर्क प्लेस में एक साथ मिले हुए हो। जैसे कि मैंने कहा, सोशल मीडिया माध्यम में काम करना, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करना, या फिर कोई भी माध्यम में आप दोनों काम करते हो अगर साथ में, तो आपको इनको देख के पता नहीं चलेगा कि ये बंदा या बंदी अंदर से इतना टूटा हुआ या टूटी हुई फील कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से अपनी इमोशन को बैलेंस कर रहा है और ये चाहते हैं कि रिश्ते में उनका जो विश है आपके साथ रिश्ते में आना वो पूरा हो जाए। अभी हम देखेंगे इनका एक्शंस क्या हो सकता है अगर ये कोई एक्शन ले रहा है। सजिटेरियस, आपके रीडिंग में खुद आपका कार्ड आया है। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अर्कना के ऑलरेडी दो कार्ड आ चुका है। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। स्ट्रेंथ लियो का कार्ड आया है। मैंने कहा आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस कर रहा है, डर के आगे जीत है, इस बात को ये साबित करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन एंड अगेन, बैक टू बैक दो दो मेजर अर्कना के कार्ड देख लेते हैं। ये वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है। मैंने कहा ना कि ये पेशेंस के साथ इंतजार कर रहा है। इनको आपके साथ रिश्ता चाहिए, अपना विश पूरा होने के बारे में सोच रहा है, विश पूरा हो जाए ऐसा चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ये बंदा या बंदी जो भी है हिम्मत रख रहा है, चीजों को छुपा रहा है, अपनी डर को छुपा रहा है। स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सेवन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। कुछ चीज़ें उनको परेशान कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको ये दिखा रहा है कि सडनली चीज़ें चेंज हो जाए, उनको सडन गेन मिल जाए रिश्ते में, ये उसका इंतज़ार कर रहा है। हिम्मत रख रहा है, चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी जो दर्द है परेशानी है इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे लेकिन अभी चीज़ों को संभल के देखने की अंदाज उनमें आ गया है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंट्यूटिव ये हो चुके हैं, या फिर पहले थे लेकिन थोड़ा सा डगमगा गए थे। अभी चीज़ों को सही होने का इंतज़ार ये ज़रूर कर रहा है। कब वक्त बदलेगा, हालात बदलेगा, लक का साथ मिलेगा, ऐसा सोच के बंदा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ के चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके लिए जो हिम्मत चाहिए, हो सकता है रिश्ता इन्होंने ख़राब किया क्योंकि आने के लिए तो पैर उठा के हैं और अपने दिल में दर्द लेके भी काम कर रहा है, बिजनेस जॉब जो भी करता है, लेकिन ये इंतज़ार कर रहा है सही वक्त में सही डिसीजन लेने का और उसके लिए ये हिम्मत भी जुटा रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कॉम्प्रोमाइज बैलेंस करनी पड़ेगी आपको भी सजिटेरियस। आपके पर्सन जैसे हिम्मत रख रहा है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अगर आप थोड़ी सी बैलेंस तरीके अपनाते हो तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। और कम्युनिकेट क्लियरली,
देखो क्लियर कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ भी आप किसी से बात करते हो, कॉम्प्रोमाइज अपॉर्चुनिटी एंड कम्युनिकेट क्लियरली, आपसे एक कहा जा रहा है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप बोलना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, आपको वो क्लियर तरीके से बोलना है। कुछ लोग है ना कि दिल में बात दबा के बैठा हुआ है और गुस्से को भी पाल रहा है, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या लेके जाना है हमें दुनिया से? कुछ नहीं। जब हम चले जाएंगे, अपना वो जो देह है ये पंच तत्व में तो विलीन हो जाएगा, तो ईगो वगैरह करके गुस्से को पाल के क्या होगा? उससे अच्छा है जो आपकी तकलीफ है उसे बाहर निकाले, चीज़ों को क्लियर करे, कम्युनिकेट क्लियरली करे, और जो आपको मिलना होगा ना वो डेफिनेटली मिल जाएगा। वही अगर आप कम्युनिकेट क्लियरली करते हो, चीज़ें सही करते हो, सही समझते हो, सही बोलते हो, दिल में सच्चाई है, तो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।